अस्सलाम वालेकुम जी। धोखा, फ्रॉड, फ्रेब, चोरी, डकैती और दगाबाजी, नाम तो आपने सुना होगा और पाकिस्तान में इसका नाम ईमानदारी है। शॉपिंग का आपको एक्सपीरियंस होगा ज़रूर, आप पाकिस्तानी हैं और ये भी आपको हर जगह पे, किसी रेड़ी पे खड़े हुए, किसी ढाबे पे खड़े हुए, किसी फट्टे पे खड़े हुए बंदे से पूछ ले तो आपको यही बताएगा कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, बहुत ज़्यादा फ्रेब है, धोखा है, चोरी है। लेकिन उससे पूछे कि आप ईमानदार कितने हैं तो ईमानदारी की हदें क्रॉस कर जाएगा। हर बंदा ख़ुद को ईमानदार समझता है और पाकिस्तान में हकीम, दवाइयां बताने वाले, फ्री में मशवरे देने वाले, सियासतदान, हर बंदे में ये तीन क्वालिटियां ज़रूर हैं और एक और क्वालिटी उसमें बेईमानी की भी है। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अच्छे हैं, मैं हर एक को बुरा नहीं कहता, लेकिन एक्सपीरियंस, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 12 महीनों में, क्योंकि बैरून मुल्क जो बंदा रहा होता है, किसी और मुल्क में रह के पाकिस्तान में टाइम गुजारता है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है, आप हर जगह पर धोखा खा जाते हैं। तो मैंने भी धोखा खा लिया। ये किन्नू मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं ले के आया हूँ और ये किन्नू जनाब मुझे मंडी से ली है। मेरी आदत है कि मंडी से ही चीज़ें ज़्यादातर इकट्ठी एक बार ले लेनी, तो ले के आ गए। बताया गया कि इसमें 80 दाने हैं, 80, तो मैंने कहा चले यार इसे काउंट करते हैं, आखिर बताया गया है। तो काउंट किए तो काउंट करने के बाद पता चला कि ये 80 नहीं है, ये 70 है, 10 दाने इसमें कम हैं। तो ये बेईमानी, वज़न में कमी, नाप तोल में गलती, गिनती में गलती, ज़ाहिर है जिसने भी की है वो बड़ा कारोबारी हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, एक रेड़ी वाला भी कर सकता है, करता है यकीनन, गंदी चीज़ें उसमें आपको मिला के दे देता है, पैसे आप पूरे दे के आते हैं। और इसमें से ये किन्नू के दो बच्चे भी निकले हैं, ये दो बच्चे भी मैं लेके आया हूँ साथ में, उन्होंने फ्री में शायद दिए हैं लेकिन ये काउंटिंग में पूरे 70 में ये भी आ रहे हैं। तो अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? हम हैं, रेड़ी वाले हैं, मंडी वाले हैं, ढाबे वाले हैं, दुकान वाले हैं, या फिर इसका ज़िम्मेदार सियासतदान है? किसी सियासतदान ने तो नहीं कहा होगा कि आप इसमें 10 दाने कम रखें और ये गंदे भी इसमें डाल लें, लेकिन ये यकीनन हमारी अपनी ही कोताहियाँ, गलतियाँ हैं और इस वजह से हम ये अजाब भुगत रहे हैं। बहरहाल, किन्नू खाने का दिल चाहे आपको तो आपके लिए किन्नू हाजिर हैं, आपको किन्नू मैं खिला सकता हूँ। ये किन्नू तो मेरे पास बहुत आए हुई हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं, बस दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह रहम करे पाकिस्तानी कौम पे और हम सब पे अल्लाह ताला रहम करे। ये जो हालात हैं ये किसी एक वजह से नहीं है, ये मजमूई तौर पर हैं। हर बंदा जहां मर्ज़ी चले जाएं, रेड़ियों से भाग के हम मंडी पे चले गए कि रेड़ी से नहीं लेंगे, कि वो साथ में गंदे मिला देते हैं, तो मंडी में क्या हुआ ये भी आपने देख लिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम।